आज बनने जा रही है शेफ मेराज की जानिब से मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए मजेदार सहरी मुर्ग रानीपुर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से लाए ये रानीपुर? कहाँ है भाई रानीपुर? कहीं तो है, कहीं तो पंजाब में है। पंजाब में भी है, इंडिया में भी है, इंडिया में भी है, यहाँ पे भी है मेरे ख्याल में। पंजाब में कहाँ पर है कुछ पता है? पंजाब में है, नाम तो सुना है एक जगह। सिंध में शहर रानीपुर। सिंध में शहर, हाँ, पीर ऑफ रानीपुर भी है जो। हाँ, सिंध में रानीपुर है वहाँ। तो ये मुर्गी रानीपुर का मतलब मुर्गी वहाँ से आई थी या मुर्गी हमने कराची से भेजी पक्की रानीपुर में? क्या हुआ क्या है? असल में जो रानीपुर है वहाँ पे कोई पुरानी सकाफत है। अच्छा। वहाँ से डिश चली है। हाँ। और ये बेसिकली जो है मुगलाई डिश है, एक तरह से मुगलाई डिश जो होती है ना, जो भी हम कुजीन में कहते हैं जैसे। हाँ। अपनी जबान में कि मुगलाई है, उसका मतलब ये होता है कि वो डिश जो है ना बहुत रिच होती है। अच्छा। उसमें क्रीम और चीज़ और ये अगड़म शगड़म सारी महंगी चीज़ें जब डल जाएँ, काजू का पेस्ट डल जाए, बादाम का पेस्ट डल जाए, अगड़म शगड़म क्या होता है मतलब महंगी जितनी चीज़ें बहुत सारी हैं ना, जैसे किराने वाले का भला हो। हाँ, किराने वाले का भला हो, मुगलाई चीज़ हो जाती है। हाँ। तो अब इसमें भी हम जो है चीज़ भी ऐड करेंगे, वाइट सॉस बनाएंगे, क्रीम भी ऐड होगी, तो ये भी बहुत थिक बनेगी। ठीक है। और रिच होगी खाने में और हैवी होगी। हाँ जी, मुर्ग रानीपुर जी। अच्छा, इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं बताता हूँ। ये बटर है। हाँ। ठीक है, इसमें हम मैदा डालेंगे और उसको थोड़ा भूनेंगे, उसके बाद इसमें दूध डाल देंगे और साथ में डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और वाइट पेपर। पहले ये तैयार हो, ये वाइट सॉस तैयार हो जाएगा, ये फिर हम सेपरेट कर देंगे। उसके बाद ये चिकन है, हमने बारीक बारीक इसको काटा हुआ है जूलियन, और साथ में शिमला मिर्च है, अदरक लहसुन का पेस्ट है। चिकन को भूनेंगे अदरक लहसुन के साथ, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे नमक, कुटी हुई मिर्चें और हल्दी। इसको अच्छी तरह भून लेंगे। जब ये भुन जाएगी, अगर पानी डालने की ज़रूरत पड़ी पानी डालेंगे, अब गल जाएगी, फिर वाइट सॉस इसमें ऐड कर देंगे। वाइट सॉस ऐड करने के बाद इसमें चीज़ और क्रीम ऐड होगी। क्या बात, एंड में मालदार डिश है, मालदार डिश। उसके बाद इसको गार्निश करेंगे हरे धनिया। आप काम स्टार्ट करें जी। अच्छा, ये जो है इसमें हमने इक्वल क्वांटिटी में लिया है मक्खन और मैदा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसमें दूध डाले एक कप, और फिर हमने इसको जो है पकाया, और थोड़ा ज़्यादा थिक हो गया था तो मैं हमने ऑर्डर पानी मैंने ऐड किया है। दूध है तो दूध भी ऐड कर सकते हैं। सही, लेकिन ये इस तरीके से होनी चाहिए सॉस की तरह। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? अच्छा, अभी चिकन इसमें हमने डाल दिए, और साथ ही हमने मोहतरमा मुर्गी साहिबा, मुर्गी साहिबा कढ़ाई की नज़र हो गई। हाँ। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, इसको थोड़ा भूनेंगे, उसके बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, उसको पकाएंगे बस। ये तो लालम लाल हो गए भाई, मुर्गी साहिबा जी, क्या हो गया इसको? मसाले ज़्यादा डाल दिए आपने? नहीं, इसमें हल्दी डाली है जिससे पीली हो गई। हाँ। और फिर मिर्च डाली जिससे लाल हो गई। देखिए आप, लाल पीली हो गई। क्या बात। तो इसमें पहले ऑयल डाला, ऑयल के बाद चिकन, और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट ताकि उसकी खुशबू अच्छी आ जाए। उसके बाद हमने इसमें नमक, लाल मिर्च कुटी हुई और हल्दी डाली है। अब ये अच्छी तरह से हल्दी की जो स्मेल थी वो हट गई है। अब ये इसमें हम शिमला मिर्च ऐड कर रहे हैं। क्या बात है, आपकी ये डिश भी जो है वो आखिरी मराहिल में है। बिल्कुल। क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी बताएं। ये देखें, इसमें हमने चिकन और शिमला मसाले के बाद शिमला डाल दी थी, उसके बाद जो है हमने इसमें जो है वाइट सॉस डाला और उसको अच्छी तरह से मिक्स किया, साथ ही हमने इसमें चीज़ और क्रीम ऐड कर दी है। मतलब टेस्ट में इसमें मिर्च तेज़ होगी? नहीं, दरमियानी होगी, क्योंकि रखना चाहें तो रख लें, लेकिन असल टेस्ट दरमियाना है इसका। हाँ, अगर रखना चाहें रख, असल टेस्ट जो है वो दरमियाना है, क्योंकि वाइट सॉस में बनी हुई है तो हल्की स्पाइस आएगा इसमें फ्लेवर, और क्रीमी टच आएगा।